जी अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गुड दोपहर। अच्छा जी जी, आज मैं अब बनाने लगी हूँ। मैंने दोपहर का खाने के लिए ना दिल चाह रहा था कि चावल, समझ नहीं आ रही थी चावल में क्या डालें, लेकिन मैंने कहा चलो आज पोटैटो वाली राइस बनाते हैं। और जी अब मैंने देसी ली है और उसमें मैंने आयल डाला है, ठीक है। आयल तो लाजमी है, डालना है, क्योंकि इसके बगैर चावल बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब इसके अंदर मैंने प्याज सुट देता है, तो देखो हम प्याज में गर्म घी में डाला है, तो उसमें तड़के की आवाज़ आ रही है, लेकिन आपको नहीं आ सकती, क्यों मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है जी। अब मैं चमचा मारना शुरू कर देता है, तो इन प्याज में फ्राई करना है। फ्राई कर बनेगा जी तक 1 से 2 मिनट तक प्याज फ्राई हो जाएगा, ठीक है। ये देखें प्याज लाल हो गया। अब मैंने इसे पानी का छिट्टा मार के फटाफट ढक्कन बंद कर देता, और ताकि इसका ना चावलों का कलर आ जाए। थोड़े से डार्क चावल मैंने कहा बनाऊँ आज, लाइट चावल नहीं, आज मैंने डार्क चावल कलर के बनाए हैं, ठीक है। पानी का छिट्टा फिर मार देता है और प्याज खोरने की कोशिश की है। अब मैंने मिसाल से चमचा हिला रही हूँ ताकि प्याज गल जाए, बिच मिक्स हो जाए पानी में, अच्छी तरह मसाले में रस बस जान, तो प्याज कट तो कला पानी नज़र आवे ब्लैक ब्राउन सॉरी। अच्छा जी जी, मैं चमचा मार मार के थक के, अब इसके मैं अंदर डाल दिया है लहसुन प्याज का पेस्ट, ठीक है। और इसे मैंने भूनना है, पकाना है ताकि जी अच्छी तरह पक जाए, इनकी स्मेल ना आवे, कच्चेपन की खुशबू बिल्कुल ना आवे, बिल्कुल कच्चेपन का जायका ना आवे, ठीक है। अब देखो ठीक है, मैं अब इसे मसलसल हला हला के भून रही हूँ। अब इसके अंदर सिटता है मैंने टमाटर, ठीक है। अब इसको मैंने भूनना है, टमाटर मैंने एक आधा लिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक हमारा मसाला हाफ तैयार हो गया है, ठीक है। ये देखें, अब आप साथ साथ देख लें, आज हमारा तसल्ली के साथ मैंने चावल बनाए हैं, क्यों अभी गैस होने में बंद होने में टाइम था, पता नहीं वो कब गड़ी होगी, जल्दी चूल्हा चलाएँ फटाफट कुछ बनाएं। अच्छा जी, मैंने अब इसके नींबू का 2 नींबू का रस निकाला है, ठीक है। और ये 4 हरी मिर्च को मैंने कूटा है कूड़े डंडे में, ठीक है। अब इसको अंदर डाल दिए और इसे मैंने भूनना शुरू कर दिया है। ये हमारा मसाला जारी है भूनने के लिए। इसके अंदर मैंने नींबू का रस डाल दिया है, सबूते नींबू नहीं पौने, वो जब अजीब सा जायका बन जाता है, ठीक है। अब इसमें मैंने योगर्ट डाली है, दही डाल देती है, और दही थोड़ी 2 चम्मच डालने हैं बस, ज़्यादा नहीं डालने, ठीक है। तो इसका जायका और तरह का चेंज हो जाएगा। मैंने तो एक किस्म की ना तड़का ही लगाया दही का, छिट्टा ही मारा है। अब इन सब चीज़ें प्लेट में लगी हुई थी, उसमें पानी मैं सब में फेर के इसके अंदर डाला ताकि उनका भी वेस्ट ना जाए, वेस्ट करनी नहीं चाहिए चीज़ आजकल की महंगाई के दौर में। या मैंने सूखा खुश्क मसाला डाला है, इसमें लाल मिर्च और नमक डाला है, और मैंने इसको फिर भुनाना शुरू कर देता है। ये भून गया है, अब हमारा इसमें घी नज़र आ रहा है आपको, ऑयल नज़र आ रहा है, ठीक है जी। हमारा मसाला माशाल्लाह हो गया तैयार। अब इसमें मैंने पानी का छिट्टा मारा है ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह भुन जाए। मसाले ते सिर ते हुंदी है हांडी ते चावल, ठीक है ठीक है। अब इसके अंदर मैं डाल देता है प्याज, आलू, आलू राइस में डालने के लिए। अब मैंने आलू को भुनना शुरू कर देता है। आलू जो अच्छे भुनोगे तो अच्छे भी बनेंगे और गल भी जाएंगे, कर खड़े आलू अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, बद जाका लगते हैं जी। जे वेखो तो देखो आलू भुज गए हैं। इसमें मैंने अब डाला है मसाला, मिक्स किए हैं सारे मसाले, ठीक है। और इसे मैंने बिरयानी मसाले के अंदर डाल के इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है जी। देखें हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसके अंदर डाला है मैंने पानी, अगर मेरे 2 गिलास चावल थे तो मैंने इसमें डाले हैं 3.5 गिलास पानी के, ठीक है। अब इसको मैंने ढक के रख देता है, पानी मेरा पकना शुरू हो गया। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर डाले हैं राइस चावल, कच्चे चावल डाले हैं, सिटे हैं, फेंक देते हैं जी, फेंक के नहीं है, मैंने प्यार से डाल रही हूँ कि खाने वाली चीज़ ऐसे नहीं कहते, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने इसे चमचा मारा है ताकि आलू और मसाला मिक्स हो जाए, एक पास इकट्ठे ना रह जाए, मसाले का गुच्छा ना बन जाए चावलों के बीच, ठीक है। अब चंगी तरह मैंने इसमें चमचा मार के, तो ये मैंने 5 अदद सबूती मिर्चें डंडी समेत डाली है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर जायका उसको अच्छा लगता आता है, अगर डंडी लतार दो तो और तरह जायका आ जाता है इसके मिर्चों का, कि मुझे मिर्चें बहुत पसंद है।
और अच्छी भी होती हैं सेहत के लिए। जो मैंने थोड़ी आँच कर ली है और इसको मैंने ढक्कन दे देता है जी। देखें ये ढक्कन मैंने दे दिया है। अब जो हमारे दम के लिए चावल तैयार हैं और ये देखें हमने दम पे रख के बन गए हैं चावल रेडी। अब खाएं और मज़े उड़ाएं। आप भी बनाइए, खुद ही खाएं।